बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौर में जुलूस पर की गई पत्थरबाजी के बाद भड़की हिंसा के आज 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक हालात तनावपूर्ण ही बने हुए हैं। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, शहर में लगातार पेट्रोलिंग हो रही है तो ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। इस बीच बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रामगोपाल के शरीर में 25 से 30 छर्रे लगे थे, जिसके चलते शरीर से बहुत ज्यादा खून निकल गया था। तो वही मौत से पहले टॉर्चर करने और सिर और चेहरे पर गंभीर चोट मिले, जिसके चलते माना जा रहा है कि मौत से पहले टॉर्चर भी किया गया है रामगोपाल के ऊपर। तो रामगोपाल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़े खुलासे हुए हैं। 25 से 30 छर्रे मिले हैं उनके शरीर से और बताया जा रहा है कि ज्यादा खून निकल जाने की वजह से रामगोपाल की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने अब तक 11 FIR दर्ज की हैं और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि मौत से पहले चेहरे पर और साथ ही शरीर पर कई चोट के निशान भी मिले हैं रामगोपाल के। गला काटा गया, नाखून प्लास से खींचे गए हैं और गोली मतलब पूरे सीने पे लगी थी, कम से कम लगी थी 22-23 गोली। यहाँ पर गोली थी और यहाँ पर थी, कान में भी मारी गई थी गोली, यहाँ पर गला रेत करके 3 गोलियाँ यहाँ चली, 24 गोलियाँ यहाँ थी सीने पर। मैम पैर के जो नाखून है वो प्लास से उन्होंने बड़ी बेरहमी से उजारा सर। उस पे छत पे बोतल ईंटा आधा सागे कुछ मिले हुए थे, उसको घसीट के ले गए, अंदर उसको गोली मारी गई। शरीर पर 25 छर्रों के निशान, सिर पर भारी हथियार से हमला, आंख फोड़ने की कोशिश, नाखून उखाड़ने की कोशिश, चेहरे से लेकर सीने तक चोट ही चोट। 13 अक्टूबर को बहराइच में सिर्फ रामगोपाल मिश्रा का मर्डर ही नहीं हुआ, सिर्फ रामगोपाल को बस गोली ही नहीं मारी गई बल्कि अब्दुल एंड सन्स ने मर्डर से पहले रामगोपाल को बुरी तरीके से टॉर्चर किया। हत्या से पहले रामगोपाल के साथ बर्बरता हुई, अब्दुल हमीद और उसके बेटों ने क्रूरता की सारी लाइन क्रॉस कर दी। रामगोपाल को मारने से पहले तड़पाया गया, जान से मारने के लिए करंट लगाया गया, पैरों के नाखून को खींच कर निकाला गया और ये सारा खुलासा हुआ है रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि रामगोपाल की हत्या बहुत ही बेरहमी से हुई है, उसके सिर से लेकर पैर तक इंजरी के निशान है। रामगोपाल को 12 बोर के असलहे से गोली मारी गई, उसके शरीर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के 25 से ज्यादा छर्रों के निशान मिले हैं। बाईं आंख पर नुकीले हथियार से हमले का जिक्र है, सिर पर भी किसी भारी चीज से हमले की बात कही गई है। अब्दुल एंड सन्स ने इतना टॉर्चर किया कि रामगोपाल की बॉडी से बहुत ज्यादा खून बहने लगा, करंट लगने और घावों से ज्यादा खून बहने की वजह से रामगोपाल को ब्रेन हैमरेज हो गया, शॉक्ड और हैमरेज की वजह से उसकी मौत हो गई। छाती और चेहरे गले में लगे हैं, बाईं आंख के ऊपर एक ललाट में चोट है जो कोई भारी चीज से मारी गई है और पैर में बर्न इंजरीज की रिपोर्टें हैं। छर्रों के कारण शरीर में अत्यधिक रक्तस्राव हुआ जिसके कारण उनकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 12 बोर के बंदूक से गोली मारने की बात कही गई है। अब्दुल हमीद के पास 12 बोर के सिंगल बैरल की लाइसेंसी बंदूक है, गोली अब्दुल का बेटा सरफराज ही चला रहा था, इस बात का खुलासा पहले ही हो चुका है, लेकिन मर्डर की प्लानिंग पहले से थी। दुर्गा पूजा के विसर्जन के जुलूस को टारगेट पर लेने का प्लान अब्दुल एंड सन्स ने पहले ही बना लिया था।
ये बताइए आप क्या काम करते हैं वहाँ पर? उनके दुकान पर रहते थे, सोनार के दुकान पे। दुकान पे हैं। क्या देखा आपने? हम गए सुबह, दुकान खोल दिया 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को और हम जो गए घर में, घर में बाप बेटे दोनों बंदूक साफ कर रहे थे और गोली की बातचीत कर रहे थे कि इतनी गोली लाना है और हमको कुछ नहीं पता। वो बंदूक साफ कर रहे थे जिससे गोली चली है? जिससे गोली चली है। क्या बातचीत कर रहे थे? कि आज माहौल जो जैसा होगा उसे देखा जाएगा। यानी विसर्जन की बात चल रही? विसर्जन की बात चल रही। अच्छा, आपने उसकी दुकान पे काम किया है, कैसे नेचर कैसा था बाप बेटों का? हमारे सामने दोस्त ठीक था, हमारे सामने गर्मी से बात नहीं की जी। यानी कुछ प्लानिंग थी ये सब करने की जैसा आप बता रहे हैं? हमारे सामने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं, बंदूक और गोली की बात कर रहे थे, बंदूक हमारे सामने साफ की गई। देखिए वो बंदूक की बात चल रही है यहाँ पर, जो बंदूक से गोली चली है, अब्दुल हमीद के बेटे ने मारा है, अब्दुल हमीद ने मारा है, उस बंदूक की बात चल रही है। गांव वाले भी ये कह रहे हैं कि पहले से साजिश थी, पूरी प्लानिंग थी, रामगोपाल मिश्रा को मारकर डेड बॉडी गायब करने तक की प्लानिंग, ग्रामीणों की तरफ से दावा किया जा रहा है। अब्दुल इन संस फरारी के वक्त हत्या में इस्तेमाल की गई बंदूक को भी अपने साथ ले गए, लेकिन बंदूक का लाइसेंस ले जाना भूल गए। इसी लाइसेंस से खुलासा हुआ है कि जिस बंदूक का इस्तेमाल रामगोपाल की हत्या में किया गया वो अब्दुल हमीद के नाम पर है। रामगोपाल के शरीर पर जिस तरीके से छर्रे के निशान मिले हैं, आशंका जताई जा रही कि कम से कम 3 राउंड फायरिंग हुई है। फायरिंग में भरुआ यानी देसी कारतूस का इस्तेमाल हुआ है। एक गोली रामगोपाल के कंधे के नीचे भी लगी है। हम उनके चचेरे भाई किशन मिश्रा से इस वक्त आपको मुखातिब करा रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। किशन जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ही हैं जो अंदर गए थे और रामगोपाल मिश्रा को बाहर लेकर आए थे, आप बताएंगे उस शाम को क्या हुआ था? शाम लगभग 4 बजे हुए थे, हम लोग विसर्जन के लिए पहुंचे तो वहां पहले से शायद पथराव किया था उन्होंने, तो हम लोग जब पहुंचे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी थी, तो वहाँ भगदड़ मच गई, सब भागने लगे। उसी बीच रामगोपाल मिश्रा को खींचा गया अंदर, जब तक हम पहुँचे तब तक उनको खींच लिया गया और प्रशासन जो वहाँ थी वो हम लोगों को अंदर जाने नहीं दे रही थी। जब तक हम अंदर पहुँचे तब तक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था वो। जब उसके पास हम पहुँचे तब लहूलुहान पड़ा हुआ था वो। जब उसे उठाने के लिए हम पहुँचे तो फायरिंग हम पर भी चालू हुई, 3-4 राउंड फायरिंग हम पे भी की गई। किसी तरीके से हम 3-4 लोग थे निकालने वाले, किसी तरीके से उसको बाहर निकाल कर लाए। वहाँ पर पहुँचे उस घर में, उस वक्त अब्दुल हमीद आपको देख, कौन फायरिंग कर रहा था? अब्दुल हमीद का लड़का, वो फायरिंग कर रहा था। रिंकू, वो फायरिंग कर रहा था। और अब्दुल हमीद वो भी साथ में खड़ा था। साथ में कुछ कह रहे थे वो लोग उस वक्त? अब इतना तो शोर शराबा था, कुछ सुनाई तो दे नहीं रहा था। अब बाहर डीजे भी चल रहा था तो फायरिंग की भी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। अब किसी तरीके से हम उसको बाहर लेकर आए। कहाँ पर मारा गया? छत की भी बात हो रही है, छत पर ही गोली मारी गई या नीचे जो बरामदा है, जो चौक है? कर तो नीचे ही ले गए थे, मतलब घर में, हमीद के घर। हमीद के घर में आप लोग वहाँ घुसे तो आप पर भी हमला हुआ? हाँ बिल्कुल हमला हुआ। क्या क्या हुआ आप लोगों के साथ? फायरिंग हुई हम लोगों के साथ, एक छोटा भाई था हमारा जब, और एक हमारा दोस्त भी था साथ में। जब हम लोग वहाँ ऊपर पहुँचे हैं तो वहाँ फायरिंग बराबर, वो फायरिंग हमारे ऊपर भी कर रहे थे, तो एक छोटा भाई था हमारा, उसने जब एक पत्थर मारा है, जब उनके हाथ से उनका असलाह गिरा है तब किसी तरह हम उसको निकाल पाए हैं बाहर, नहीं तो उन्होंने फायरिंग बंद नहीं की थी। 13 अक्टूबर को रामगोपाल का मर्डर हुआ और मर्डर के बाद से अब्दुल एंड फैमिली फरार है। अब्दुल हमीद, उसकी बीवी और उसके 3 बेटे सरफराज, फहीम और बबलू 4 दिनों से अंडरग्राउंड है। आशंका जताई जा रही कि ये सब नेपाल में है। नेपाल जाने की पीछे 3 वजह है। एक तो अब्दुल हमीद का भाई नेपाल में रहता है, दूसरा अब्दुल के बेटे सरफराज का ससुराल भी नेपाल में है, और तीसरा ये कि नेपाल में भी अब्दुल हमीद का सराफा का धंधा है। बहरेज के महसी से नेपाल की दूरी 60 किलोमीटर की है। इस रूट में 3 पुलिस थाने, 1 ATS थाना, LIU, IB और सशस्त्र सीमा बल की चौकी पड़ती है। हिंसा के दिन से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब्दुल एंड फैमिली पुलिस को चकमा देकर नेपाल कैसे पहुंच गई इसे भी समझ लीजिए। अब तक की जांच से जो पता चला है वो ये कि मर्डर के बाद फरारी की प्लानिंग अब्दुल एंड सन्स ने पहले ही कर रखी थी। रामगोपाल की हत्या के बाद बहराइच में अफरा तफरी और हिंसा का माहौल बन गया था। अब्दुल एंड सन्स इसी का फायदा उठाकर फरार हो गए। हत्या को अंजाम देने के बाद अब्दुल एंड सन्स सबसे पहले बेहड़ा गए।
यहाँ वो एक दिन रुके। इसके बाद वो अपने बड़े बेटे पिंटू के यहाँ पहुँचे। पिंटू रुपई डिहा में रहता है, जहाँ उस पर एक क्रिमिनल केस दर्ज है। रुपई डिहा नेपाल बॉर्डर से एकदम सटा हुआ इलाका है। इसी के बाद एक एक करके अब्दुल एंड फैमिली नेपाल बॉर्डर में एंटर हो गई। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की पूछताछ के हिसाब से कई जगहों पर दबिश दी थी। बहेड़ा में अब्दुल हमीद के रिश्तेदारों के यहाँ भी छापेमारी हुई थी, लेकिन अब तक पुलिस खाली हाथ है। रेहुआ मंसूर गांव की उस जगह पर मैं पहुंच चुकी हूं, जहां दुर्गा मूर्ति रखी जाती है, जहां पर नवरात्र में पंडाल सजाया जाता है, और यहीं से जुलूस लेकर जो गांव वाले हैं वो आगे बढ़ते हैं महाराजगंज की तरफ। ये वो पूरा एरिया है, माता जी का स्थान यहां पर है। ये माता जी का स्थान है, यहीं पर माँ दुर्गा का पूरा पंडाल सजता है और यहीं से शुरुआत होती है जुलूस की, और फिर पूरे गांव को पार करते हुए ये जुलूस महाराजगंज की तरफ आगे बढ़ता है, उस जगह की तरफ बढ़ता है जहां पर ये पूरा विवाद हुआ था। एक बार आप ये पूरा एरिया देख लीजिए, पूरा गांव आप देख लीजिए। गांव यहां पर आप ये कह सकते हैं, देखिए गुलाल अभी भी यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, गुलाल की मौजूदगी अभी भी आपको नजर आ रही होगी, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि एक बड़ा यहाँ पर पंडाल लगाया जाता है, दुर्गा मूर्ति यहाँ पर स्थापित की जाती है। और बहराइच हिंसा के आरोपियों पर एक्शन जारी है, तो अजमेर दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने बहराइच मामले में मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाते हुए पत्थरबाजी को जायज ठहरा दिया। ये तो इंतहा हो गई, ये तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होता है, जबकि कहते हैं मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी हमारे देश को कहा जाता है। बहराइच में आप मुसलमानों के घर पे एक भीड़ नीचे भीड़ खड़ी है, डीजे बज रहा है, मुसलमानों को अनाप शनाप कहा जा रहा है, घर पे चढ़ के हरा झंडा उतार के मुसलमानों का और भगवा झंडा लहराया जा रहा है, तो फिर फूल तो बरसेंगे नहीं। जो हुआ तो यही होना था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये कुदरत का कानून है। बहराइच हिंसा के आरोपियों पर प्रशासन से एक्शन को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ अरशद मद्दी ने मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। अरशद मद्दी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, बहराइच में हिंसा के बाद मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई, लेकिन प्रशासन हिंसक घटनाओं को रोकने में विफल हो रहा है। जिन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। रियासती जमीयत उलेमाए सेवाकर पीड़ितों की मदद के लिए सक्रिय है। गांव में मुस्लिम युवकों की एक तरफा गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, जबकि एक मुस्लिम के घर पे घुसकर उसकी पिटाई करने और घर की छत पर भगवा झंडा फहराने वाले असली अपराधी अभी भी दंगाइयों के मामले सामने आने के बावजूद उत्पात में लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और निर्दोषों के रूप में गिरफ्तार किए गए लोगों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।